हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय कर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश भर के कर वकीलों ने टैक्स के सरलीकरण किए जाने की मांग सरकार से की है। कार्यक्रम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान रामनारायण यादव व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट सुभाष जिंदल ने बताया कि आज कर संबंधी परिचर्चा में प्रदेश के एकत्रित हुए टैक्स बार के वकीलों ने निर्णय लिया है कि पंचकूला की कर अधिकारी वकीलों व अन्य लोगों को जानबूझकर परेशान करती है। सभी ने निर्णय लिया कि इस बात को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। वही ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट जो कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिसंबर में फैसला लेना था, लेकिन किसी कारणवश उस पर फैसला नहीं लिया गया था। हालांकि अधिकारियों द्वारा इस पर जल्द ही फैसला लेने की बात कही है। इस पर बिना बुलाए ही फैसला किया गया है, जिससे काफी व्यापारियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। उस पर भी फैसला जल्द हो। बैठक में प्रदेश सचिव संजय अरोड़ा व जोनल वाइस प्रेसिडेंट मुकेश रहेजा ने कहा, जीएसटी के सरलीकरण पर जोर देते हुए कहा कि अभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण करे, वही रिफंड व रेक्टिफायर में भी अभी काफी दिक्कतें हैं। इस पर भी सरकार एसोसिएशन की मांग अनुसार कार्य करे। आज का स्पेशली जो सत्र चला हुआ है, इसके अंदर में हमारा ओपन हाउस डिस्कशन एक सेशन है, जो अभी एक इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर में हमारे एक सेशन चला हुआ है, जिसके अंदर में सभी हमारे जो अधिवक्तागण सुन रहे हैं। इसके बाद में एक ओपन हाउस सेशन होगा, जिसके अंदर में अपनी अपने जिलों की समस्याओं को वकील साहिबान रखेंगे। कुछ रख भी दी गई हैं, स्पेशली पंचकुला से एक शिकायत आई कि एक भूरिया नाम की लेडी ऑफिसर है जो जीएसटी में स्टेट में, वो काफ़ी परेशान कर रही हैं वहाँ के मतलब जो है अधिवक्ताओं को और जो है व्यापारियों को। तो उसके खिलाफ हमारी बार ने आज एक रेजुलेशन एक मत होकर के पास किया कि उसके खिलाफ शिकायत हम सरकार को या सरकारी विभाग को जल्द ही कर देंगे और उस समस्या का समाधान करवाएंगे। इसी तरह और भी कुछ समस्याएं, जैसे हमारे पास में आज इस ओपन हाउस में आएंगी, उन सभी समस्याओं को हम एक रेजुलेशन के माध्यम से रेजुलेशन पास करके उनको जहां ज़रूरत है उन अथॉरिटीज़ को, उन विभाग को, उन सरकार व सरकारी मंत्रालय को चिट्ठियां लिखेंगे। क्या फायदे होंगे? सबसे पहले यह है कि इस तरह का जो सम्मेलन हो रहा है, जो प्रांत के स्तर के ऊपर हो रहा है, एक दूसरे की समस्याओं को समझने में आसानी होती है। जैसे स्टेट के प्रेजिडेंट आर एन यादव जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, ये एक दूसरे डिस्कस करके कौन अफसर कहाँ किस एडवोकेट को तंग कर रहा है, क्या अपीलेट कोर्ट में कहाँ कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, वो डिस्कस करके उनका समाधान इनमें होता है, रेजुलेशन पास होता है। अगर सरकार से कोई वार्तालाप करनी है, जैसे ओटीएस का मामला है, वो आम जनता के फायदे की बात है, उसके ऊपर भी यादव जी ये सारे लगे हुए हैं, उस पर डिस्कशन होने लग रही है। ओटीएस की अभी स्कीम आ जाएगी तो सबको आम जन को फायदा भी होगा उससे। तो ज्यादा डिटेल के अंदर तो आरन यादव जी बताएंगे, क्यों टैक्स बार के हैं, हम तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हैं। आज तो काफी मसले यहाँ डिस्कस हुए और हमने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हमेशा टैक्स बार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेगी। उनके उनकी जो समस्याएं होंगी उनको दूर करवाने के लिए उनके तन मन और धन से साथ इनके रहेंगे। कि हमारी बार का एक मोटिव है कि जो टैक्स पेयर है और सरकार के बीच में हम क्षेत्र का काम करते हैं, उसमें जो भी समस्याएं एक टैक्स पेयर की होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार को नहीं पहुंचा सकता, तो वकीलों के माध्यम से तो एक जरिया है हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से एक मांग करता हूं, हमारी पिछले साल से एक मांग लंबित है, ओटीएस स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इन बैट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय और जो अधिकारीगण हैं उनसे हमारे प्रधान जी की बात हुई है और जब भी मिलते हैं ये कह देते हैं कि भी बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। अगस्त महीने में भी हमारे को ये आश्वासन दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार इस विषय पर ध्यान देगी और इस महीने में ओटीएस स्कीम को लागू करे, ताकि जो बकाया राजस्व है सरकार का वो भी जल्दी आ जाए और आम व्यापारी जो तकलीफ में है उसको भी राहत मिले। एक पॉइंट हमारा है, जैसे कि रोड साइड चेकिंग होती है, आप भी देखते हैं जीएसटी वाले खड़े रहते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं। तो माल जो मैंने भिवानी से माल भेजा गुवाहाटी,
और मेरी गाड़ी पकड़ी गई गुवाहाटी, गुवाहाटी में वहाँ पेनल्टी लगा दी ऑफिसर ने, तो उसकी अपील की जो पावर है तो गुवाहाटी ज्यूरिडिक्शन बनती है, जबकि हमारी मांग ये है कि उसकी जो वहाँ बिजनेस कर रहा है वहाँ उसकी क्या ना ज्यूरिडिक्शन अपीलेट पावर होनी चाहिए।